चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है आपका, कल कोलिनियरिटी की कंडीशन आपने पढ़ी थी। नेक्स्ट अपन इसमें आज डिस्कस कर रहे हैं कोप्लानरिटी, जैसा आपको कल भी बोला था। तो कोप्लानरिटी तीन वेक्टर्स के लिए या चार पॉइंट्सों के लिए कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला अपन मेंशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, को प्लानरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। को प्लानरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, तो इसमें कंडीशन ये है कि एनी वेक्टर आर इज सेड टू बी को प्लानर with vectors A and B, मतलब A and B भी दो given vectors हैं और कोई तीसरा vector इसके साथ coplanar तब कहलाएगा। So any vector R is said to be coplanar with vectors A and B if vector R can be expressed as linear combination of vectors A and B। तो यदि आप वेक्टर R को ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, देन वी से दैट कि वेक्टर आर ए एंड बी आर को प्लानर। दैट मींस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई बी, वेयर एक्स एंड वाई बी एनी टू स्केलर्स। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव टू शो दैट कि तीन वेक्टर्स को प्लानर हैं, तीन वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये शो कर दीजिए कि उन तीनों में कोई भी एक बाकी दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये सब्जेक्टिवली आपने लिखना है। यदि आप किसी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख देते हो, देन वी से दैट see that कि these three vectors are coplanar, तो वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। So this is the condition of coplanarity of three vectors, तीन vectors के coplanar होने की ये condition है। तीन में से कोई भी एक vector को बाकी दो का linear combination आपने लिखना है। और इसमें ऐसा भी है कि आप इसको ऑब्जेक्टिव में, यदि ये वेक्टर्स इनके कंपोनेंट के फॉर्म में दिए गए हैं और आपको यदि उनको कोप्लानर शो करना है, तो इन तीन वेक्टर से जो 3/3 का डिटरमिनेंट बनेगा, वो 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो करके भी हम तीनों वेक्टर्स को कोप्लानर शो कर सकते हैं। दैट मींस इसका जो दूसरा तरीका है कोप्लानरिटी का, आगे ये है कंडीशन कि इफ वेक्टर ए, यदि आपको इस तरीके से दिया है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, वेक्टर बी हमने ले लिया बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, एंड
वेक्टर सी C1 प्लस C2 प्लस C3 के आर कोप्लानर वेक्टर्स देन। तो इन तीन से जो 3x3 का आपका डिटरमिनेंट बनेगा, मतलब A1 A2 प्लस A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये 3x3 का डिटरमिनेंट आप जीरो कर दीजिए तो भी वेक्टर जो है वो कोप्लानर हो जाएंगे। तो दोनों में बात में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है कि आपने क्या करना है, यदि आप इन दो रो को ऐड करके तीसरी रो में सब्ट्रैक्ट करें और जीरो हो जाए तो बात यही बन गई कि मैं एक्स वाई की जगह पर 1 लिख दूं और ये आर को ट्रांसफर कर दूं। तो यदि ये 3x3 के डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आता है तो भी वी से दैट कि ऑल दी 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। सो दिस इज दी कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी। किसी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन आप लिख पा रहे हैं तो दे आर कॉल्ड कोप्लानर, या फिर डायरेक्ट उठा के आप 3x3 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिए तो भी हम कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स कोप्लानर होंगे। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और इस एक कंसेप्ट को अपन क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर ले रहे हैं तो थोड़ा सा और आपका ये पक्का हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख लीजिए किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे ये कंसेप्ट को क्वेश्चन में। सो हियर वी डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू सेकंड पेज। क्वेश्चन ले लिया कि इफ वेक्टर्स फोर आई प्लस 11J प्लस एम की सेवन आई प्लस 2J प्लस 6 की and I plus 5J plus 4K. Our coplanar, then M ka value. Option is 38, 0, 10, minus 10. तो ये कंडीशन, ये क्वेश्चन हो गया कोप्लानरिटी पे कि हमको यदि 3 वेक्टर्स को कोप्लानर शो करना है तो यहाँ पे शो करने को नहीं बोला, यहाँ पे ऑलरेडी कोप्लानर दिए हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो एक अननोन डाल दिया, वो अननोन का वैल्यू आपसे पूछ लिया। देखिए दोनों मेथड एक एक करके यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं इसकी। तो एक तो यह है कि किसी एक को बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन अपन लिख दें, तो कोई भी एक वेक्टर इसमें से आप चूज कर लीजिए, बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। करेक्ट है संकेत टुक्कर। फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन का कि मैंने यहाँ पर पहला ही वेक्टर ले लिया 4i प्लस 11j प्लस mk और इसको बचे हुए दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है 7i प्लस 2j प्लस 6k और i प्लस 5j प्लस 4k। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। इनकेस लोनारे करेक्ट है। और अब
आपको इससे तीन इक्वेशन मिल जाएगी। आई वाला कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो यहां पर आई का कोएफिशिएंट 7x प्लस वाई आएगा और यहां पर आई का कोएफिशिएंट है 4। जे का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहां पे जे का कोएफिशिएंट 2x प्लस 5 वाई आएगा, उसको 11 से लिखेंगे। और तीसरा इक्वेशन बनेगा 6x प्लस 4y इक्वल्स टू m। तो बिल्कुल साफ साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि मैं इन दो इक्वेशन से xy का वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डाल दूंगा, सो आपको m का वैल्यू मिल जाएगा अननोन का। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 35 माइनस 2 33, 33 5 से मल्टीप्लाई किया है और सबट्रैक्ट किया है, तो 35 माइनस 2 33x ये कैंसिल हो गया, 20 माइनस 11 9, तो दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ x आता है 3/11, और x की वैल्यू आप डालोगे किसी भी एक इक्वेशन में तो y का वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 21/11 23/11। तो x आता है 3/11 और y आता है 23/11, और अब ये x और y का वैल्यू आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, therefore m is equals to 6x मतलब 18/11 प्लस 4y 92/11 विच गिव्स यू 10। सो 10 इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी का वैल्यू 10 आता है, इसलिए गुप्ता करेक्ट है। योजित चेक कर लें अपना आंसर। सो ये पहला मेथड हो गया, एक को हमने बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, तो ये पहला मेथड है। अब दूसरे मेथड से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का जो सेकंड मेथड है कि यदि आपको तीन वेक्टर्स को कोप्लानर बोला है तो 3/3 का डिटरमिनेंट 0 होगा। तो 3/3 का डिटरमिनेंट बना लीजिए 4, 11, m, 7, 2, 6 और 1, 5, 4। ये 3/3 का डिटरमिनेंट 0 होगा। When we solve this, तो ये आएगा 8 - 20 - 88। 11 के लिए सॉल्व करेंगे तो 6 - 22 - 11 -242, और m के लिए सॉल्व करेंगे 33m आएगा इक्वल्स टू 0। तो दिस गिव्स यू 33m इज इक्वल्स टू 330 एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 10। तो 3/3 का डिटरमिनेंट 0 करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों तरीके आपके सामने रख दिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन, कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, थर्ड पेज। एंड नेक्स्ट हेडिंग, कोप्लानरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। तो जब भी 4 पॉइंट्स की बात आएगी तो सीधा सीधा ये है कि यदि 4 पॉइंट्स को कोप्लानर आपने शो करना है तो आप क्या करो, 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना लो और फिर वो 3 वेक्टर की कोप्लानरिटी की जो कंडीशन आपने अभी पढ़ी वो लगा दी। मतलब दोनों के लिए कंसेप्ट सेम है, 3 वेक्टर दें या फिर 4 पॉइंट दें, 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाइए। 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाने के लिए कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दें,
जैसे हमको चार पॉइंट दिए हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी है, तो मैं उनसे तीन वेक्टर बना लूंगा चार पॉइंट से, एक बनाऊंगा ए बी, एक बनाऊंगा ए सी, एक बनाऊंगा ए डी। ए पॉइंट को फिक्स कर दिया और ए को फिक्स करके ए बी ए सी और ए डी ये चार वेक्टर सॉरी चार पॉइंटों से तीन वेक्टर हमने बना लिए। और अब ए सी ए बी और ए डी ये तीन वेक्टर्स में ये को प्लानरिटी की कंडीशन लगा, तो वही मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अभी तो चार पॉइंटों के लिए अपन ये मान लेते हैं कि फोर पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आर को प्लानर, फोर पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी एंड डी आर को प्लानर if there exist scalars x y z u, सभी जीरो नहीं होना चाहिए, not all zero, such that कि इन चार स्केलर से इन चार वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस यू डी, एक्स वाई जेड यू चार स्केलर यूज कर लिए, ये जीरो होना चाहिए वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू का वैल्यू जीरो। तो कहने का मतलब है कि चार वेक्टर्स को चार पॉइंट्स आपको दिए हैं, उनको को प्लानर शो करना है, तो आपको ये शो करना है कि इन चारों पॉइंट्सों के जो वेक्टर्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा, और जिन स्केलर से आप ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे उनका सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू का वैल्यू जीरो आना चाहिए। और इसी कंसेप्ट को यदि आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में देखें, देयरफॉर दैट मींस यदि हमने वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के ले लिया, वेक्टर बी उसके कंपोनेंट के फॉर्म में हमने ले लिया बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, वेक्टर सी उसके कंपोनेंट के फॉर्म में सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के, एंड वेक्टर डी चौथा वेक्टर डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, यदि ये चार पॉइंट्स को प्लानर है आर को प्लानर, देन ये जो फोर बाई फोर का डिटरमिनेंट बनेगा ए वन ए टू ए थ्री वन बी वन बी टू बी थ्री वन सी वन सी टू सी थ्री वन D1, D2, D3, 1। ये 4 बाई 4 का डिटरमिनेंट यदि आप 0 शो कर दें तो भी ये चार पॉइंट्स आपके को प्लानर हो जाएंगे। तो अब मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी कि इफ यू हैव टू शो दैट कि 4 पॉइंट्स आर को प्लानर, तो आप 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना लीजिए, और 4 पॉइंट से यदि आप 3 वेक्टर बना लोगे तो वो 3 वेक्टर देखिए क्या बनेंगे। एक वेक्टर आपका बनेगा 4 पॉइंट से, यदि आप 3 वेक्टर बनाओगे तो वेक्टर बनेंगे आपके ए बी ए सी और ए डी। याद रखें एक फिक्स करके तीन वेक्टर बना देना है। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, और डी का पोजीशन वेक्टर माइनस। तो ये जो चार पॉइंट्स दिए थे इन चार पॉइंट से हमने ये तीन वेक्टर बना दिए। और आपने अभी इसके पहले पढ़ा कि तीन वेक्टर्स यदि को प्लानर है तो इन तीन वेक्टर्स का जो 3/3 का डिटरमिनेंट है वो जीरो होगा। मतलब ये जो पहला वेक्टर है इसके कंपोनेंट फर्स्ट रो में आएंगे, ये जो दूसरा वेक्टर है इसके कंपोनेंट दूसरे रो में आएंगे,
और ये जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट तीसरी रो में आएंगे, वो 3x3 का डिटर्मिनेंट आप जीरो कर दो तो फिर तीनों वेक्टर्स कोप्लानर हो जाते हैं। वो तीन वेक्टर्स हमने चार पॉइंट से बनाए थे तो चार पॉइंट्स कोप्लानर हो गए। अब ये बात और ये बात में फर्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप यदि ये 4x4 को सॉल्व करोगे तो तरीका आपके पास ये है कि तीन जीरो बना लें। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो इन तीनों में सबट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप फर्स्ट रो को सेकंड रो में सबट्रैक्ट करोगे तो देखो यहाँ पर बनेगा b1 - a1, b2 - a2, b3 - a3 और ये जीरो, ये यही बना है b - a। ठीक है, मतलब यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं ये फर्स्ट रो सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों रो में सबट्रैक्ट कर दूं तो इसी को आप ये भी लिख सकते हो, और दिस कैन बी रिटन व्हाट b1 - a1, b2 - a2, b3 - a3, c1 - a1, c2 - a2, c3 - a3, d1 - a1, d2 - a2 और d3 - a3, और ये 3x3 का डिटरमिनेंट जीरो। बात वही है कि ये चार के लिए लिखा है, यदि आप चार पॉइंटों से तीन वेक्टर नहीं बनाना चाहते, डायरेक्टली उठा के सॉल्व करना चाहते हो डिटरमिनेंट में, तो वो चारों पॉइंट्स यहाँ डाल दीजिए और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसका तरीका यही है जो सिखाया गया है आपको, कि तीन जीरो बना लो और फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दो। तो जब आप तीन जीरो बनाओगे ये तो आपको यही चीज मिलेगी, और ये चीज वही है कि चार पॉइंटों से तीन वेक्टर बना लो, तीन वेक्टर की कोप्लानरिटी की कंडीशन लगा। सो ये ओवरऑल कंसेप्ट है, इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में देख लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। सो इफ यू हैव टू शो दैट फोर पॉइंट्स आर कोप्लानर, सो दिस इज द कंडीशन। एंड नाउ हियर वी डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंडीशन, ताकि आपको ये थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाए। सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज एक क्वेश्चन का आप आंसर करें। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फोर पॉइंट्स, पहला आपको दिया है 2i + 3j - k, i + 2j + 3k, (3i + 4j - 2k), and i - λj + 6k. ऑप्शन है 8, 0, -2, 6। Which one is correct? ये चार पॉइंट्स विद देयर पोजीशन वेक्टर दिए हैं, तो यदि ये चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन पर हो तो आपको बताना है लैम्डा का वैल्यू कितना।
संकेत तुक पर करेक्ट है। सुशांत ठाकरे चेक करें। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। नारे अंकित करेक्ट हैं। चलिए अब देख लीजिए, योजित करेक्ट है। निहाल कामले करेक्ट है। तो देखिए अब करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन -2। -2 करेक्ट वैल्यू है। और जैसा आपको बोला ये चार पॉइंटों से आप तीन वेक्टर बना लीजिए। तो मान लेते हैं ये चार पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया ए, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। तो हमारा जो ए बी वेक्टर हो जाएगा, ए बी वेक्टर बी माइनस ई आएगा, तो विच इज माइनस आई माइनस जे और प्लस 4k। ए सी वेक्टर बना लीजिए, ए सी वेक्टर बनेगा आई प्लस जे माइनस के। और ईडी वेक्टर बना लीजिए, ईडी वेक्टर बनेगा माइनस आई माइनस लैम्डा प्लस 3j और 7k। अब ये तीनों वेक्टर्स को प्लानर है, सो
therefore coplanarity की condition minus one four, one one minus one, minus one minus lambda plus three और seven equals to zero. जब आप इसको सॉल्व करेंगे वन माइनस लैम्डा प्लस थ्री सॉरी सेवन है ये माइनस वन के लिए सॉल्व करेंगे तो वन माइनस सेवन माइनस सिक्स और फोर के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आता है माइनस लैम्डा माइनस थ्री प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. ओपन कर दीजिए तो लैम्डा माइनस फोर लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा हो जाएगा और थ्री माइनस वन टू माइनस सिक्स माइनस फोर और माइनस एट गड़बड़ हुआ माइनस का थ्री लैम्डा आएगा माइनस का एट सर वहां पे सेवन चाहिए पर तो ये सेवन है ना ठीक माइनस फोर माइनस दस और ये माइनस वो अभी सही है माइनस सिक्स सर माइनस क्या आ रहा है तो भी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं सर वहाँ प्लस सिक्स आएगा अच्छा ये माइनस का सिक्स आ रहा है ठीक है ना अभी सही आ जाएगा एक छह तीन नौ दो माइनस आठ अभी सही है माइनस इक्वल्स टू जीरो तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस टू आता है. सो ये है सॉल्यूशन. चार पॉइंटों से तीन वेक्टर बना लीजिए और चार पॉइंटों से तीन वेक्टर बनाएंगे और तीन वेक्टर्स का कोप्लानरिटी का कंडीशन लगा. कोप्लानर आपने आगे चल के भी 3D में पढ़ना है. 3D में ये कंडीशन आपकी फिर से आएगी क्योंकि थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दो बातें पढ़ेंगे प्लेन और लाइन. जब वहां पर आपको प्लेन बताएंगे तो प्लेन की इक्वेशन बताएंगे और जब किसी प्लेन के इक्वेशन में कोई तीन वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तो वहां पे भी हम एक बार ये कोप्लानरिटी की कंडीशन और पढ़ेंगे ठीक है. मतलब आप जो 3D के कोप्लानरिटी के क्वेश्चन है वो भी आप बना सकते हो ये कंसेप्ट से. कोप्लानर का कंसेप्ट हर जगह यही लगेगा ठीक है. बस आपका फर्क इतना है कि 3D में जब आप जाएंगे सो तीन पॉइंट्स आपको दिए होंगे और तीन पॉइंट्सों को यदि आपने कोप्लानर शो करना है तो उसके लिए हम ये कंडीशन यूज कर लेंगे. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग. सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स किसको बोलते हैं. सो नेक्स्ट हेडिंग है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. Linearly independent vectors. So इसमें अपन लिख रहे हैं कि a set of non-zero vectors. A1, A2, up to An. अब मैं दो की या तीन की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट n के लिए अपन ये कंडीशन लिख रहे हैं. फिर जब क्वेश्चन में दो आएगा या तीन वेक्टर्स आएंगे, अपन यहाँ n वेक्टर्स के लिए कंडीशन लिख रहे हैं. So
set of n non-zero vectors are said to be linearly independent vectors. Linearly independent vectors if मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूं इन वेक्टर्स का एक्स वन एक्स टू और अप टू एक्स एन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन दे आर सम स्केलर नॉट ऑल जीरो सारे के सारे जीरो नहीं है तो यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो और इफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो इंप्लाइज एक्स वन बराबर एक्स टू बराबर अप टू एक्स एन ये सारे के सारे जीरो हो जाए तो फिर हम इनको बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो और हम बोल रहे हैं कि वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उस केस में ये सम जीरो करने के लिए आपको ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स एन बराबर जीरो हो इस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बनाने के लिए इंडिविजुअली हर आपका x1, x2, x3, xn ये सारों की वैल्यू आपकी जीरो होना चाहिए यदि ये सारे के सारे आपके जीरो आए तो फिर हम वेक्टर्स को बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और यदि ये सारे के सारे जीरो नहीं आते हैं इनमें से कुछ नॉन जीरो आता है तो फिर वेक्टर्स को हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में केवल फर्क इतना है इंडिपेंडेंट के लिए दे ऑल द स्केलर्स बिकम जीरो सारे के सारे स्केलर्स आपके जीरो होना चाहिए ये अपन ने टू वेक्टर्स में जब कोलिनियरिटी की कंडीशन पढ़ी थी तब भी आपको बताया था ये अपन एन के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं एन की जगह पर दो वेक्टर भी ले सकते हैं तीन वेक्टर भी ले सकते हैं मतलब आप ये कंडीशन को दो वेक्टर के लिए भी लिख सकते हो कि दो वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ एक्स ए प्लस वाई बी बराबर जीरो and this implies x and y both are equal to zero तो फिर vectors आपके linearly independent हो जाएंगे ठीक है so independent में ये सारे scalar जो हैं वो आपके zero होना चाहिए और दूसरी condition अपन लिख रहे हैं linearly dependent vector और linearly dependent जब आप लिखेंगे so linearly dependent vectors के conditions में आपका ये जो linear combination है यही का बिल्कुल same है बस अपन यहाँ पर एक word लिख देंगे कि These x1, x2, xn are not all equals to zero. सारे के सारे जीरो नहीं होना चाहिए सो दूसरी जो बात है वो ये है कि linearly dependent vectors. और चूंकि ये सारे ही जीरो हो जाते हैं इसलिए अपन यहां पर इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किए हैं और दूसरा है linearly dependent vectors. लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स में बात वही है पहली लाइन आपकी वही है सेट ऑफ नेचुरल सॉरी सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ए वन ए टू अप टू ए एन आर सेट टू बी linearly dependent vectors if inka linear combination aap banaye x1 e1 x2 e2 xn en where x1, x2, xn are scalars not all zero. यदि ये सभी के सभी जीरो नहीं होते हैं बट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जाता है
तब अपन इनको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, और यदि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, साथ में ये सारे स्केलर भी जीरो हैं, दोनों बातें जीरो हैं, तो फिर वो कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। दोनों जीरो हो जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है बट इन एक्स वन एक्स टू एक्स एन में से कुछ जीरो है कुछ नॉन जीरो है, तो फिर वो कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इन सारे वेक्टर्स को अपन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर बोलेंगे। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन आप देखिए, इस एक कंसेप्ट का अपन क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इतनी बात से बस ध्यान में रखें, सारे जीरो होंगे तो लीनियर इंडिपेंडेंट, सारों में से कुछ जीरो होंगे कुछ नॉन जीरो होंगे तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट। क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो आप देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज इफ वेक्टर ए आपको दिया है आई प्लस जे प्लस के वेक्टर बी दिया है फोर आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के एंड वेक्टर सी आपको दिया है आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के are linearly dependent vectors and mod c equals to root 3, then which option is correct? First option is क्या अल्फा वन बीटा माइनस वन होगा, सेकेंड ऑप्शन है अल्फा वन बीटा प्लस माइनस वन होगा, थर्ड ऑप्शन है अल्फा माइनस वन बीटा प्लस माइनस वन होगा, और फोर्थ ऑप्शन है अल्फा प्लस माइनस वन और बीटा वन। विच वन इज करेक्ट?
एक ही आंसर आया। संकेत तुपकर करेक्ट है, दो सही आंसर। निहाल कामले चेक करें, गलत जवाब। तो देखिए, ये केवल इतनी सी बात पर बेस्ड था क्वेश्चन। आप यदि लीनियरली डिपेंडेंट को यदि समझें तो जो आपने को प्लानरिटी की कंडीशन लिखी है वही कहलाता है लीनियरली डिपेंडेंट। किसी एक वेक्टर को आप बाकी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। और आपने ये पढ़ा है लीनियरली डिपेंडेंट में कि सारे के सारे जीरो नहीं होना चाहिए। मैं यदि आपको पूरी बात एसोसिएट करके बताऊं तो को प्लानर में आपने ये पढ़ा है कि तीन वेक्टर्स को आप को प्लानर तब बोलेंगे जब किसी एक वेक्टर को बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन आप लिख पाओ। तो जैसे ए बी सी हमारे पास तीन वेक्टर है और मैं यदि वेक्टर ए को वेक्टर बी और वेक्टर सी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दूं तो वी से दैट की वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को प्लानर। ये को प्लानरिटी की कंडीशन है।
ये आप जानते हो। ये तीन वेक्टर्स के कोप्लानर की कंडीशन होगी, ये पहली बात होगी। अच्छा, अभी जो आपने पढ़ा लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन में, आपने ये पढ़ा है कि इन तीन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाओ, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होना चाहिए, और साथ में एक्स वाई जेड सारे के सारे जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट ऑल इक्वल टू जीरो। यदि सारे जीरो हो जाएंगे तब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए दे आर नॉट ऑल जीरो। तो आप देखो अब इसी बात को क्या लिख सकते हो, मैं यदि ये एक्स ए को यहाँ पर ट्रांसफर कर लू तो ये वाई बी प्लस जेड सी बराबर माइनस का एक्स ए बन गया, और अब मैं माइनस एक्स से यहाँ डिवाइड कर दू तो ये माइनस वाई अपॉन एक्स बी माइनस जेड अपॉन एक्स सी बराबर ए बन गया। और अब आप देख रहे हो कि हमने वेक्टर ए को बाकी दो का, क्योंकि ये तो दो स्केलर है, ठीक है, और ये दो स्केलर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x should not be, क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ गया, तो आप x से डिवाइड तब कर पाओगे जब x जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो ये बात वही है कि यहाँ पर x जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, तो हमने एक वेक्टर को बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, मतलब वेक्टर ए बी सी हो गए कोप्लानर। तो जो कोप्लानर की कंडीशन है या जो लीनियरली डिपेंडेंसी की कंडीशन है बोथ आर दी सेम, तो कभी भी आपको बोला जाता है कि वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, इसका मतलब आपको बोल रहे हैं कि आप किसी एक वेक्टर को बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि यदि वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स कोप्लानर हैं। तो हम सीधा अब यहाँ पर उठा के कोप्लानरिटी की कंडीशन लगाते हैं। तो कोप्लानरिटी की कंडीशन में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट 1 1 1 4 3 4 और 1 अल्फा बीटा, ये आपका होना चाहिए जीरो। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 बीटा माइनस 4 अल्फा आएगा, फिर ये 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 4 बीटा आएगा, और ये 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 4 अल्फा माइनस 3 आएगा। तो ये 4 अल्फा तो उड़ गया, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आपको बीटा का वैल्यू डायरेक्टली 1 मिल जाता है। बीटा 1 मिला तो फिर एक ही ऑप्शन आता है, खत्म, बाकी ऑप्शन में तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो प्लस माइनस 1 दिया और वो माइनस 1 दिया। अब यदि अल्फा भी निकालते हो तो दो अननोन को अल्फा बीटा निकालने के लिए ये दूसरी कंडीशन आपको दी थी कि सी का जो मॉड्यूलस है वो आपको √3 दिया है, तो मॉड्यूलस आप जानते हो। तो सिंस वी गिवन दैट इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, ये आपको √3 दिया है, स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड तो ये 2 आ जाएगा, सो बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1 आता है, तो बीटा का वैल्यू अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1 आता है, तो अल्फा आपका प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो अल्फा प्लस माइनस 1 और बीटा 1। सो जो आपको अभी कंडीशन बताया लीनियरली डिपेंडेंट जो आज आपने पढ़ा और कोप्लानर जो आप आज ने पढ़ा, बोथ आर दी सेम थिंग, दोनों बिल्कुल एक जैसी ही बातें। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 4th ऑप्शन करेक्ट है, 2 बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें अब हम थ्योरी को बढ़ाएंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में आगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।